वर्ल्ड कप फाइनल की हार पे बीजेपी बनी विलन, किसने उड़ाई खबर? मोदी हार की वजह है क्या? स्टेडियम का नाम बदलने से हारे मैच, मोदी के नाम पर क्यों मचा घमासान? शिवसेना ने क्यों मोदी को बनाया निशाना? अब क्रिकेट का कहां होगा ठिकाना? वानखेड़े से जुड़े हैं जीत के तार, अहमदाबाद के नाम पर विवाद क्यों बार बार? कैसी है राजनीतिक साजिश? एक तरफ भारतीय टीम 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में जाकर मुकाबले में हार का मुंह देख चुकी है, पूरा देश अपनी टीम की हार के गम से उबरा भी नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। सवाल उठने लगे हैं कि भारतीय टीम मैच बीजेपी की वजह से हारी, पीएम मोदी को फाइनल की हार का मुख्य दोषी बताया जा रहा है। 140 करोड़ दिलों के टूटने का ठीकरा प्रधानमंत्री के सिर पर फोड़ने की तैयारी हो रही है। राजनीतिक गलियारों में बातें उठने लगी है कि प्रधानमंत्री ने निजी स्वार्थ के लिए भारत को हार का स्वाद चखवा दिया। इस तरह की सबसे ज्यादा बातें उठाई जा रही है शिवसेना की तरफ से। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने आईसीसी विश्व कप फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की हार पर कहा कि हमारी टीम बहुत ही होनहार और कामयाब टीम है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में हमने 10 मैच अच्छे से खेले, लेकिन फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार गए। लोग कहते हैं कि फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में होता तो जीत जाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए विश्व कप जीता है। ये पर्दे के पीछे भाजपा का बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा था। सर हिंदी में जाना चाहेंगे, भारत की जो है हार हुई है देखिए, सबके दिल पर उसका असर हुआ है। हम हार गए, हमारी क्रिकेट टीम बहुत ही होनहार और बहुत कामयाब क्रिकेट टीम है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में हमने 10 जो मैचेस है बहुत अच्छी तरह से खेले हैं, और फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हार गए। लोग कहते हैं कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत जाते, मालूम नहीं मुझे, मैं क्रिकेट का इतना शौक नहीं रखता हूं, लेकिन जैसे लॉर्ड्स है इंग्लैंड में जिसे क्रिकेट का सबसे बड़ा एक स्थान कहा जाता है, वैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है क्रिकेट का पंढरी कहा जाता है, जो क्रिकेट के भक्त है उनके लिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई बहुत बड़ी जगह है। दिल्ली है फिरोज शाह कोटला मैदान में होते हैं मैच, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया, इसलिए बना दिया कि वहां वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है और मोदी जी वहां थे इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था, लेकिन इस देश का दुर्दैव है हमारे खिलाड़ी अच्छे खेलने के बावजूद भी हम हार गए। अब ये सिर्फ शिवसेना का ही कहना नहीं है, इसके अलावा बीजेपी के और भी विरोधी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, और क्रिकेट टीम की हार का ठीकरा पीएम मोदी और बीजेपी के सिर फोड़ रहे हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के हार से करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिल टूटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।